नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल आई एम प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। ये प्रोग्राम हमने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया है कि जिनको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर मन में कुछ क्वेश्चन है या कुछ डाउट है। हमारा प्रयत्न है कि हमने जो मिशन गोल्डन बर्ड चलाया हुआ है कि जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ही हम लोगों को ये जागरूकता ला रहे कि एक्सपोर्ट को लेके आपके भी कोई मन में क्वेश्चन हो तो ये सारे आपको आंसर मिल पाए। हमारे चल के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए और इंडिया के कोने कोने तक इस चीज को पहुंचाइए ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हो और एक्सपोर्ट रिपोर्ट के अंदर आना चाहे और भारत के जो सुनहरे दिन थे भारत में वापिस लाने में उनका भी एक प्रयास हो। तो अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूं तो आज का क्वेश्चन म्यूजिक लाइव्स करके है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर प्लीज आई एम कंफ्यूज अबाउट HS कोड, कैन आई क्रिएट माई ओन HS कोड। और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है HS कोड को लेके कि क्या मेरे बेसिकली HS कोड कैसा है, किस तरह से रहेगा, क्या रहेगा। मैं बताने में बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि GST आ जाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी GST को भी HS कोड से कनेक्ट कर दिया। HS कोड होता क्या है? वो एक इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन कोड है कि आपके प्रोडक्ट को नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि नंबर ही पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया के अंदर कॉमन है। लिखने की पैटर्न अलग हो सकती है पर 0 to 9 जो लिखा जाता है वो अक्रॉस द वर्ल्ड मीनिंग उसका सेम ही रहता है। इसलिए क्या किया है ICC ने, सारे दुनिया के इतने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं राइट, उन सबका एक आइडेंटिफिकेशन कोड दे दिया जिसको कहते हैं हार्मोनाइज सिस्टम कोड राइट। तो ये इन यूनिवर्सली स्टैंडर्ड है, आपको अगर बाहर की लैंग्वेज भी नहीं आ रही है या किसी भी दूसरी कंट्री की लैंग्वेज नहीं आ रही है तो भी कोड के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस कोड के अंदर क्या प्रोडक्ट दिया गया है। आपका क्वेश्चन जो है कि क्या मैं अपने प्रोडक्ट का HS कोड बना सकता हूँ, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। HS कोड का रेगुलर अपडेशन रहता है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, क्योंकि आप आपका कोड का बनाओगे दूसरी कंट्री खुद के कोड का बनाएगी तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए तो HS कोड बनाया गया है कि आप एक्स बोल रहे हो, मैं वाई बोल रहा हूं, थर्ड कंट्री जेड बोल रही है, तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा राइट। इसीलिए HS कोड आप आपका खुद का नहीं बना सकते, उसके लिए बेसिकली ICC के नॉर्म से हर एक कंट्री के लिए अप्लाइड होते हैं। यूजुअल केस में अगर बात करते हैं वो 8-digit का कोड होता है जिसके अंदर बेसिकली हर एक 2 digit को डिवाइड किया गया, पहले इंडस्ट्री से डिवाइड किया गया, फिर उसके प्रोडक्ट से डिवाइड किया गया, फिर एक्चुअल एंड प्रोडक्ट जो उसके ऊपर डिवाइड किया गया राइट। तो उसकी भी एक मेथोडोलॉजी होती है, उसके हिसाब से होता है। आप अगर देखना चाहते हो तो बहुत, और इसके इसी HS कोड के द्वारा ही आप बहुत सारी चीजें जान भी सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, हर HS कोड द्वारा जान सकते हो कि कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, क्या क्या हो रहा है। वो सारा HS कोड बेसिकली जो एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म यानी एक ही जैसा राइट। तो ICC ने बेसिकली उस HS कोड को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो आपको भी HS कोड आपके प्रोडक्ट का जानना हो तो जरा मल्टीपल ऑफ साइट जहाँ पे आप जान सकते हो, पहली साइट तो हो गई बेसिकली आपके लिए इंडियन ट्रेड पोर्टल है राइट, जो फीओ मैनेज कर रहा है उसके वहां भी जान सकते हो। आप trademap.org करके है जहां पे जाके जो WTO मैनेज करता है वहां से मिल सकता है। तो GST काउंसिल की साइट के ऊपर भी बेसिकली HS कोड डालते हो तो उसका प्रोडक्ट का लिस्ट मिल जाता है, या तो ICEGATE की साइट के ऊपर जाओगे वहां पर जाके आपका HS कोड मिल जाएगा राइट। सो मेरी गुजारिश है हमारा खुद का HS कोड नहीं बांध सकते, पर HS कोड सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एक्सपोर्ट करने के लिए। HS कोड सबसे बड़ा क्योंकि उसी सारी दुनिया कनेक्टेड है राइट। तो मेरी गुजारिश है एक प्रॉपरली हम लोग इसलिए ड्यूरिंग द प्रोग्राम आल्सो सबसे ज्यादा फोकस जो करते हैं HS कोड के ऊपर करते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन किस से जाना जाता है राइट। सो इसलिए जरूरी है HS कोड को जानना राइट। एक बार आपने प्रॉपरली HS कोड के बारे में समझ लिया, जान लिया कि आपका प्रोडक्ट HS कोड क्या है, तो आपको बाहर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कंपनी पार्टीज रहती है, यहाँ की कस्टम रहती है, वहाँ की कस्टम रहती है, यहाँ पे शिपिंग लाइन होगी, वहाँ पे शिपिंग लाइन होगी, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, या तो इंस्पेक्शन एजेंसीज हो गई, इतनी सारी एजेंसीज है। अगर सबके वर्ड अलग अलग होंगे तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसीलिए HS कोड है राइट। तो इसका बेसिक आप जो भी मैंने वेबसाइट्स बताई आपको वापस गो थ्रू कर लीजिए, उससे आप दे सकते हो और उसके बाद आपका HS को आइडेंटिफाई करके बाहर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको इजी रहता है। इवन स्टैटिस्टिकल डेटा चेक करें तो वही HS कोड के थ्रू आप स्टैटिस्टिकल डेटा भी चेक कर सकते हो राइट। तो ये सारी कम्फर्टेज आपको HS कोड देता है। सो हम हमारा खुद का HS कोड नहीं बना सकते, ICC ने जो बनाए हुए हैं उसी हिसाब को हमें फॉलो करना है राइट। आई एम श्योर म्यूजिक लाइफ जी आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, इसीलिए हम लोग हमारे प्रोग्राम के दौरान भी ये कैसे करना है, कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है वो भी सिखा दे, ताकि आपको भी ढूंढने के लिए आसानी रहे और आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाए उसका। अगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रोग्राम करने के बाद भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सेम प्रोडक्ट 2-3 HS कोड के अंदर भी आ रही है,
उसी के लिए हमने हमारी आई सपोर्ट सर्विसेज, जहाँ पे कॉल पे हमारे फैकल्टी से हफ्ते में दो बार आप बात कर सकते हो अपॉइंटमेंट लेके, हमारे हेल्प डेस्क का सपोर्ट दिया है जो 24/7 ऑलमोस्ट वर्किंग आवर्स के अंदर रहता है, राइट, कि जहाँ पे हमको उनके कुछ भी क्वेश्चन की क्वेरी देते हैं। सो हमारा भी एज अ ट्रिपल आई ये वही उद्देश्य है कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहता है उसको प्रॉपरली गाइड करें, क्योंकि हम लोग खुद एक्सपोर्टर है, हम लोग कोई कंसल्टेंट या बेसिकली कोई सिर्फ CHA या क्लियरिंग फॉरिंग एजेंट्स नहीं है, हम लोग तो खुद एक्सपोर्टर है, दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा उद्देश्य भी वही है मिशन गोल्डन बर्ड के अंदर, कि लोगों को जागरूक करें, राइट। तो मेरी गुजारिश है, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे काउंसलर से एक बार बात कर लीजिए, दे विल बी गिविंग यू मोर डिटेल्स, राइट। एंड मुझे अच्छा लगेगा कि बेसिकली मैंने जो आपको आंसर दिया वो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको भी सारी नई अपडेट्स मिलती रहे। और उसके बाद भी हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी रखे हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, दैट विल गिव यू मोर आइडिया एंड गाइडेंस अबाउट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और आपका भी जो एक्सपोर्ट बढ़ाने का जज्बा है उसको आगे बढ़ाने में हम सपोर्ट करें। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।